तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज रामपुर की झील, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें कि छोटा ताजमहल, बहुत सारी चीज़ें, एडवेंचर चीज़ें हैं गाइस। यहाँ पे झील तो है ही गाइस। यहाँ पे जो इवनिंग में जो होता है, यहाँ पे रामपुर के लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं इवनिंग टाइम में। ज़्यादातर जो खाली टाइम होता है टाइम स्पेंड करने के लिए शाम में, लोग यहाँ पर ही निकलते हैं गाइस। तो मैं चलिए आपको दिखाता हूँ, पूरा नज़ारा कराता हूँ रामपुर की झील का, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अमेजिंग चीज़ें हैं यहाँ पर, सब कोई आपको मैं दिखाऊंगा। तो ज़रा भी वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने मुझे रामपुरी चाकू पर जो इतना सारा प्यार दिया है गाइस, उसके लिए दिल से शुक्रिया। रहा गाइस झील का, अब चलते हैं अंदर गाइस। सो गाइस, ये देखिए कितने लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर पार्किंग खड़ी है लोगों की, बहुत सारी पार्किंग, कार पार्किंग एरिया गाइस, इधर ये ऑटो पार्क है। तो वैसे ही रहा, लोग मेन गेट से लोग अंदर आते हुए इवनिंग टाइम में टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर रामपुर की झील में। तो ये अभी लेके चलते हैं गाइस। देखिए ये बाहर का फ्लोर, अभी यहाँ से लेते हैं टिकट, जो कि 20 रुपीज़ टिकट है यहाँ का। टिकट लेकर के गाइस अंदर चलते हैं, एंट्री करते हैं टिकट काउंटर, जो कि 20 रुपये फीस है ओनली। ये रहा गेट पास, तो अब चलते हैं गेट से अंदर। तो गाइस ये रहा कस्तूरबा गांधी पक्षी विहार, चलते हैं इसके अंदर। बाहर से तो अमेजिंग लग रहा है। सो ये रही एंट्री, तो चलते हैं गाइस एंट्री के थ्रू अंदर। जी भैया, एंट्री देनी पड़ती है, यहाँ पे गेट पास देना पड़ता है, उसी के बाद ही यहाँ पे एंट्री होती है। तो चल रहे हैं अंदर। ये दादी माँ बैठी हैं, मज़ा आ रहा है यहाँ बैठे हुए? हाँ, चला नहीं गया। मैं बच्चों के मारे तो बदस्ती मुझे दिया है बच्चे। अच्छा, धो रहे हैं मुझसे चला गया। हाँ तो मज़े ले रही हो झील के हैं गाइस। इन्हें देख के मोटिवेशन मिलती है गाइस, जब ये घूमने के लिए एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं गाइस, दिल खुश हो रहा है इन्हें देख के। बुरा झूला काफ़ी बड़ा, उसके पास तो चलते हैं, उसी के साइड में वो है झील है, वहाँ पे भी चलते हैं। सो गाइस हम आ गए झील साइड। बहुत सारे जो यहाँ पे घूमने के लिए निकले हैं इवनिंग टाइम में रामपुर के लोग, या फिर बाहर के टूरिज्म भी हैं सारे, इसका नज़ारा करने हैं, ये झूले पर बैठने के लिए हैं। और बहुत सारे ताजमहल भी है, अभी मैं आपको लोटस टेम्पल भी दिखाऊँगा, वो भी है यहाँ पर, वो साइड में आपको दिख रहा होगा सामने, वो आपको बाद में दिखाऊंगा मैं। अमेजिंग व्यू गाइस, रामपुर की झील बहुत ही शानदार। कितना खूबसूरत व्यू रामपुर की झील का, कितना प्यारा व्यू है गाइस झील का, बहुत ही प्यारा। झील के जस्ट साइड में ही है झूला गाइस। सो ये रहा गाइस सेम जो लोटस टेम्पल है उसकी कॉपी, जैसे कि वो नदी के पास में है ना गाइस, तो वैसे ही झील में के अंदर बनाया है। यहाँ पे ये जो पर्यटक हैं, यहाँ पर नाव में बैठे हुए हैं, वहाँ पर एकदम से पास से नज़ारा कर रहे हैं उसका गाइस। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये कॉपी लोटस टेम्पल की। ऊपर से स्काई ब्लू, पानी ब्लू, और बीच में लोटस टेम्पल। आप आएँ तो गाइस रामपुर में ज़रूर आना, रामपुर की झील बहुत ही घूमने लायक जगह है रामपुर में। किसने बनाया ये मुजस्मा? तो गाइस बनाया तो गाइस सेम ही है, 5 लाख रुपए इनाम भी देने का हो रहा है, सेम कॉपी बनाया है गाइस। यहाँ पे देखो कितनी भीड़ लग रही है, यहाँ पे लोग बहुत भी दूर से यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं गाइस, इसका नज़ारा करने के लिए, जिसे कि रामपुर का छोटा ताजमहल कहा जाता है गाइस। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो टूरिज़्म के लिए, टूरिस्ट के लिए जो है गाइस बनाई गई हैं, जिससे टूरिज़्म आए तो बोर नहीं हो। असली ताजमहल जिसने बनाया था उसके तो हाथ काट दिए थे, अब पता नहीं गाइस इसके हाथ काटे हैं या फिर क्या पैर काटे हैं, मगर बनाया अच्छा है गाइस, कॉपी बनाया है सेम। सो गाइस इंटरेस्टिंग, कुतुब मीनार की सेम कॉपी।
इंडिया गेट, सेम टू सेम। भाई जी एंजॉय करते हुए बहुत जोर से चीखते हुए, पब्लिक रिएक्शन है ये सारे वीडियो में। तो गाइस यहाँ पे ऊँट की सवारी अवेलेबल है, ये करते हो ऊँट की सवारी। भट्टे में डालने तो निकलेगी जादू धूप, जादू की कॉपी गाइस, अमेजिंग स्टैचू। सो गाइस कैसी लगी रामपुर झील? अच्छी थी, बहुत सारे इंटरेस्टिंग पार्ट थे, जैसे कि ताजमहल हो गया, इंडिया गेट हो गया, या फिर कुतुब मीनार हो गया, फिर यार झील हो गई, लोटस टेंपल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई गाइस। बहुत ही अच्छा लगा, इन्जॉयफुल पूरा मोमेंट, अच्छे से इन्जॉय किया गाइस। और आई होप, मुझे भी उम्मीद है कि आपको ने बहुत इन्जॉय किया होगा वीडियो के ज़रिए। सो गाइस ऐसी वीडियो पर प्यार दिखाते रहिए। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।